जानिए क्या है आज की ताजा खबर। क्या ओमिक्रॉन है कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट? पिछले 2 साल से लोगों की जिंदगी पर ग्रहण लगाने वाला कोरोना वायरस हाल के दिनों में कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद से हर किसी के मुंह पर ये सवाल है कि क्या ओमिक्रॉन कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा? क्या इसके बाद जिंदगी फिर नॉर्मल हो जाएगी? क्या फिर से हम बिना मास्क पहने घर से बाहर निकल पाएंगे? ये सब कहना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक बड़े अधिकारी ने कोरोना को लेकर एक चेतावनी जारी। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका अंतिम वेरिएंट नहीं होगा और अन्य नए वेरिएंट के सामने आने की काफी ज्यादा संभावना है। WHO के आधिकारिक सोशल मीडिया मंच पर आयोजित सवाल जवाब के एक सत्र के दौरान संगठन के COVID-19 तकनीकी दल की मारिया वैन कैरकोव ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ओमिक्रॉन के 4 अलग-अलग रूपों पर नजर बनाए हुए है। मारिया ने कहा, हम इस वायरस के बारे में अब काफी कुछ जानते हैं, हालांकि हम सब कुछ नहीं जानते। मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहूँ तो वायरस के ये स्वरूप वाइल्ड कार्ड है। ऐसे में हम इस वायरस पर लगातार बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, जिस तरह इसमें बदलाव होता है और जिस तरह से ये रूप बदलता है। हालांकि इस वायरस में बदलाव की अत्यधिक संभावना है। उन्होंने कहा, ओमिक्रॉन सबसे ताजा चिंताजनक स्वरूप है और ये अंतिम चिंताजनक स्वरूप भी नहीं होगा। ऐसे में हमें एक बार फिर से न केवल टीकाकरण का दायरा बढ़ाना होगा बल्कि प्रसार की रोकथाम के उपायों का पालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं WHO की तरफ से बताया गया है कि पिछले हफ्ते दुनिया भर में COVID-19 संक्रमण के नए मामलों में एक सप्ताह पहले के मुकाबले 17% की कमी आई, जिसमें अमेरिका में 50% की गिरावट शामिल है, जबकि वैश्विक स्तर पर मौतें 7% घटी हैं। धन्यवाद।